हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कोटा स्टोन के बहुत मोटे पत्थर में, जिसमें सिंगल पत्थर होता है और पुराने ज़माने में इस प्रकार से किचन बनते थे सिंगल पत्थर में। आजकल तो सैंडविच बनता है, लेकिन एक ज़माने में इस प्रकार में सिंगल पत्थर में बनते थे। तो ये जो गोल बाउल देख रहे हो आप, ये गोल बाउल सिंगल पत्थर कोटा स्टोन में काट के फिनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इसके आर पार मशीन की कटर भी नहीं जाती है। पत्थर इतना बड़ा होता है कि कटर से काट नहीं सकते। तो कैसे काटते हैं, कैसे तोड़ते हैं ये गोल बाउल को, और उसके बाद में उसका कॉलर बना के किस प्रकार से सिंगल पत्थर में ये बाउल बिठाया जाता है, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो में अलग अलग जगह पे मैं कुछ बात बताने वाला हूँ, बाकी तो मशीन की आवाज़ ही आएगी। तो सबसे पहले ये मशीन को एक राउंड रेक लगा लिया गया है पेंसिल से, और उस पर 5 या 6 mm गहरा मैं बगैर पानी को रेक लगा रहा हूँ। बगैर पानी को रेक लगाने को कॉलर बनाना बोलते हैं, तो मैं इसका कॉलर बना रहा हूँ इस प्रकार से। 5-6 mm रेक लग जाने की वजह से कटने के बाद इसको हथौड़े चने से पीसने पर यह पत्थर का कॉलर बन जाता है, और सिंक की जितनी चौड़ाई होती है उतना सिंक बैठ के पत्थर से नीचे 2-3 mm तक चला जाएगा। तो इसकी वजह से कॉलर बनाना पड़ता है। कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से रेक लगानी पड़ती है 5-6 mm तक। रेक लग जाने के बाद पत्थर को पानी से काटा जाता है, और काटने में भी एक बात ख्याल रखी जाती है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ कि ये काटा किस प्रकार से जाता है। इसका कुछ मेजरमेंट होता है, वो मेजरमेंट से काटना पड़ता है, और जिस प्रकार से एबीसीडी में एक्स बनता है, इस प्रकार से इसमें चेक्स बना के काटा जाता है, तभी पत्थर का राउंड निकलता है। आज के ज़माने में ऐसे सिंक आते नहीं है, आज सैंडविच हो गया है। तो ये एक पुराने ज़माने का किचन है, आप देख सकते हो इस प्रकार में पहले इस प्रकार का किचन आता था पुराने ज़माने का, तो उसमें इस प्रकार से किचन होता था, ये गोल बाउल आता था। तो आजकल के कारीगरों को ये गोल बाउल काटना भी नहीं आता होगा, कैसे काटते हैं गोल बाउल में। आज तो पत्थर पतला है, अगर ये पत्थर पहले इतना जड़ा आता था ये कटर से काट भी नहीं सकते थे, एक सिंगल कटर में नहीं कटता था। तो ये कटता कैसे है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो बाउल होता है, इसकी ये जो धार होती है, ये जो धार, उससे मेरे को ये जो खांचे मैंने काटे हैं, ये कम काटना है। सबसे पहले मैंने राउंड ले लिया था, एक बाउल का यूँ रख के राउंड दौड़ लिया था, आपको मालूम हो तो। और राउंड दौड़ लेने के बाद मैंने ये रेक मार लिया है, ये जो गोले दिख रही है ये रेक मार लिया है, वो रेक इससे थोड़ा उंडा, ये जिसकी जाड़ाई है सिंक की इतनी, उससे डबल उंडा मारना है ये रेक। बाद में मैंने मारा, ये पत्थर पतला है इसलिए सिंगल कटर में कट गया। अगर पत्थर जाड़ा होता, पत्थर की चौड़ाई ज़्यादा होती, कटर में नहीं कटती, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यही टेक्निक है। सबसे पहले ये तो मारना ही है जैसे मैंने मारा, और ये इससे कम मारना है, इसकी इतनी है तो ये मेरे को इससे कम ही काटना है। देखो इतना, सभी जगह पे ये कम कटना चाहिए, तो ही ये बाउल इसके अंदर बैठेगा। तो इसके लिए पहले से ही ये जगह छोटी काटनी है, और ये राउंड से बाहर नहीं निकलनी है, राउंड से राउंड काटनी है। हर जगह पे आप देख लो, कोई भी जगह पे राउंड से बाहर नहीं निकाली है, और यूँ चेक्स लगनी चाहिए, एक यूँ और यूँ, हर कोना देखो आप चेक्स लग रही है, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, ये यहाँ से यहाँ, और चेक्स लगेगी तो ही अंदर से बाहर तक कटेगी। तो ऐसे चेक्स एक्स बनना जरूरी है, जैसे एक्स बनता है इस प्रकार से हर जगह पे एक्स बनाया है। देखो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, और ये एक्स इतना पतला ही बनाना है, बड़ा मोटा नहीं बनाना है। अगर पत्थर चौड़ाई वाला है तो सिंगल कटर में नहीं कटेगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक इतना दोबारा काट देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले आप पकड़, फिर कुछ नहीं करना है, एक हथौड़ा और पानिया लगे वो डगरी निकाल देनी है, उसकी वजह से आसानी से टूट जाता है अगर पत्थर जाड़ा हो तो। ये तो पतला आ गया, मेरा नसीब अच्छा था, लेकिन कोटा स्टोन पतला आता ही नहीं है। तो अगर पत्थर मोटा हो तो आपको कैसे काटना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपको इसी प्रकार से अगर पत्थर बड़ा हो तो काटना है।